गुड मॉर्निंग दोस्तों। कंप्यूटर के आगे जो क्लास है वो क्लास तो क्या बोलूँ, वीडियो ही है, क्लास नहीं है यार यहाँ पे कोई। तो आगे देखते हैं, आगे वाले जो कुछ पार्ट आएंगे वो सॉफ्टवेयर पे आएंगे। एक हार्डवेयर हो गया अपना कंप्लीट, तो सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट एनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर, जिसके थ्रू मतलब डिटेल डाटा होता है जो यूजर उस पर इंटरेक्ट करता है, इट्स हार्डवेयर और परफॉर्म टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कैसे टास्क काम कंप्लीट करेगा विदाउट सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर वुड बी यूजलेस। ओके, मेन क्वेश्चन यही बनेगा, सॉफ्टवेयर में कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो टाइप हो गई। अच्छा, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सामने ही है। एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर में कौन से आएंगे? जर्नल पर्पज़ के लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए और बेस्पोक के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर्स, लाइब्रेरी प्रोग्राम। और ट्रांसलेटर में असेंबली, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये होता है, इसका डायग्राम आप देख लो आराम से, सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स होते हैं। अब एक एक करके अपन सारे पार्ट पढ़ेंगे किसमें क्या आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इट्सेल्फ। वो जिसमें प्रोसेसिंग, कंट्रोल, ऑपरेट की वो होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली पर प्रिपेयर्ड बाई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, लोडर, लिंकर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं जिसमें ये डिज़ाइन बनता है पूरा बन गई। तो ऊपर एक एक करके ये देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में एन ऑपरेशन सिस्टम OS, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, समझ रहे हो, प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। ये तो हो गया कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, यूनिक्स और ये LINUX, मैकोस, ये वाले जो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम हैं यूज़ होते हैं। विंडोज़ में क्या हो जाएगा? अपन विंडो यूज़ करते हैं। विंडो और विन इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट क्रिएट बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है विंडो, दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस नॉन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI फॉर कंप्यूटर, इनबिल्ट ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, यूज ऑफ विंडो 100, ये 10, सॉरी 100 कह रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट जो एड्स है वो यूज इन विंडो 10। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किसका? रेडमंड, वॉशिंगटन, US, किसका है? विंडो का, माइक्रोसॉफ्ट का यार। फाउंडेड 4 अप्रैल 1975, न्यू मैक्सिको, US, फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन। टास्क बार क्या है? अब टास्क बार देखते हैं। ए बार एट द एज ऑफ डिस्प्ले ऑफ द ग्राफिकल यूजर, जो अपने कंप्यूटर पे इंटरफेस, दैट अलाउ क्विक एक्सेस टू करंट और फेवरेट एप्लीकेशन, यूजर अथोंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, नो दैट ऑथेंटिकेशन, विंडो ऑथेंटिक, ये आज बोल बोल गए ना, ऑथेंटिकेशन इज प्रोसेस टू प्रूव द ऑथेंटिकिटी ऑफ ए यूजर एंड सर्विस अटेम्पटिंग टू एक्सेस विंडो। अब आता है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है, ये आपके सामने आप खुद पढ़ सकते हो, मैकिंटोस। ये मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल लिमिटेड और इंक्लूडेड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम,
इसमें क्या इनबिल्ट ब्राउज़र होते हैं, सफारी अपन जो यूज़ करते हैं, ये अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको अपन जो एप्पल में यूज़ होता है ना, वो यही होता है आपके सामने है, मैकिंटोस। फाउंडेड 1 अप्रैल 1976 कुप्रोटिनो कैलिफोर्निया में यूएस, और हेडक्वार्टर यही कैलिफोर्निया यूएस। फाउंडेड बाय स्टीव जॉब्स एंड रोनाल्ड वेन। स्टीव ये सब हैं प्रोडक्ट, आईफोन, आईपैड, मैकिंटोस, एप्पल वॉच, ये सब ये बनाते हैं। अब आते हैं अपन एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड क्या होता है भाई? एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड इज़ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। ये गूगल ने डेवलप किया है, वो एप्पल ने, वो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल को इसने मेंडो को, एप्पल ने एंड्रॉयड को गूगल। बेस ऑन द लिनक्स कर्नल एंड डिज़ाइन प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट। लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 7 नोट चल रहा है अभी। यूनिक्स ये क्या है? ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ओरिजिनेटेड एट बेल जॉब्स इन 1969 एज एन इंटरेक्टिव टाइम शेयरिंग सिस्टम। यूनिक्स इज द फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी मल्टी यूजर है ये। लिनक्स क्या होता है? यूनिक्स इज द यूनिक्स यूनिक्स लाइक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबल्ड अंडर द मॉडल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फाउंडर कौन है लिनक्स? बेनेडिक्ट टॉरवाल्ड्स। अब अपन आते हैं सी यू आई, कॉमन यूजर इंटरफेस। द कॉमन यूजर इंटरफेस हैज़ टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन बाई मेकिंग यूज ऑफ कमांड्स। कमांड्स देने के लिए इन सी यू आई ओनली वन टास्क कैन रन एट ए टाइम। एवरी वन इज डन बाई यूजिंग कमांड। डोस यूनिक्स। जी यू आई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इज़ अ यूजर इंटरफेस विद द यूजर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन बाई मेकिंग यूज ऑफ ग्राफिक्स। इन जी यू आई मोर देन वन टास्क कैन रन साइमल्टेनियसली। जी यू आई में हम एक टास्क के अलावा मल्टी टास्क काम कर सकते हैं, और सी यू आई में सिंगल टाइम पे एक ही टास्क। विंडोज, लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ वन ओनली वन यूजर टू मेक यूज ऑफ पी सी एट ए गिवन टाइम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमन ऑन पर्सनल कंप्यूटर MC-DOS तो नहीं होता डो। सिंगल यूजर विद मल्टी टास्क। सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ ए सिंगल यूजर ऑफ साइमल्टेनियसली रन मल्टी एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। अपनी लैपी हो गया, एप्पल का जो मैक ओएस हो गया, एक्सपी हो गया। मल्टी यूजर, मल्टी यूजर में अपने यूनिक्स, लिनक्स क्या होता है? User is a term that define an operating system that allow concurrent access of multiple use of a computer, Unix or Linux. Multitasking में कैसे? Multitasking operating system refer to the ability of a computer to perform more than one task and perform at a one time. So more than one task at a what a time? Unix, Linux, Windows, etc. और जो आगे वाले में है वो आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। ये इतना को काफ़ी हो जाता है, ये भी अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो होप आपको हेल्प करेंगे। यार इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये नोट्स हैं, ये पढ़ लो, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखें, इजी है। थैंक यू गाइज।